दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे और BORL के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक भी ली। ग्रामचक में बन रहे अस्थाई अस्पताल की प्रगति की समीक्षा भी की। बीना रिफाइनरी के पास ग्रामचक में बनने वाले 1000 बिस्तरों के अस्थाई अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिफाइनरी के पास ग्रामचक पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तथा सांसद सागर राज बहादुर सिंह भी उपस्थित थे। जनता को बधाई देना चाहूंगा, गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चेन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं है और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं, आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चली है बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना के पीड़ित भाई और बहन, कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बीना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। क्योंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसकी टेक्निकल टीम आ जाए तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए बीना रिफाइनरी के पास ग्रामचक में 1000 बेड की क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। बीना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर रिफाइनरी से अस्थायी अस्पताल तक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। यह अस्पताल बन जाने से सागर, अशोकनगर तथा विदिशा के कोविड मरीजों को लाभ होगा। देखिए, बहुत बड़ी मुख्यमंत्री की ये सोच है और मैं समझता हूँ आज जो ऑक्सीजन की कमी के कारण सारा प्रदेश जूझ रहा है, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके पूरे अधिकारी इस समय सिर्फ ऑक्सीजन जुटाने में लगे हुए हैं। रिफाइनरी का जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बनेगा उससे सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी किसी मरीज को नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी। तो 1000 बेड का अस्पताल सुसज्जित बन रहा है, ये प्लान सरकार ने किया है। रिफाइनरी का इसमें सहयोग है, खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ, गाड़ी की व्यवस्था, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था इसमें की जा रही है। चूँकि इतनी बड़ी अस्पताल को चलाना आसान काम नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की सोच है और हम सब मंत्रियों से उन्होंने सलाह भी ली कि इसमें किसी प्राइवेट अस्पताल के लोग अगर इन्वॉल्व रहें और वो अपनी सेवाएं इसमें दें तो चिरायु की को बहुत कुछ सेवाएं देने को तैयार हैं और अस्पतालों से बात भी चल रही है, तो ये बहुत बड़ी फायदा हो जाएगा। इससे सागर, बीना, खुरई, यहाँ अशोकनगर, मुंगावली, कुरवाई, सिरोंज सबके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सुविधा बुंदेलखंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कृपा से मिलने वाली है।